डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल पढ़ चुके। मैंने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए हैं। जैसे आरएनएस कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं जैसे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करूं, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करूं, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात करूं, जो पियर्सन HSAB इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। अब उसका लास्ट आज कॉन्सेप्ट है जो एसिड बेस के लिए ही काउंट किया जाता है या पढ़ा जाता है, मीन्स कॉन्सेप्ट और थ्योरीज फॉर एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यूसिनोविक कॉन्सेप्ट। ये आज हम डिटेल इसको बारे में पढ़ने वाले हैं, जो जनरली आपके क्वेश्चंस आते हैं, या थ्योरेटिकल कहूं चाहे मैं ऑब्जेक्टिव कहूं। तो यहां पे देखिएगा, इसका दो कॉन्सेप्ट है, दो पॉइंट्स है मेनली जो एसिड और बेस के लिए है। एसिड किसको बोलते हैं? ऐसे एजेंट विच कंबाइन विद एनायंस और इलेक्ट्रॉन और गिविंग अप कैटायंस। मतलब क्या हुआ इसका समझना, ऐसे एजेंट या ऐसी मॉइटीज, ऐसे कंपाउंड जो एनायन के साथ में कंबाइन हो, मतलब उसके साथ रिएक्शन करे, या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, या यहाँ पे गिविंग अप कैटायन का मतलब वो कैटायन डोनेट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोल रहे हैं। ओके, सिमिलरली बेस हम क्या कहते हैं? जस्ट इसका रिवर्स होगा, दैट इज ऐसे एजेंट विच कंबाइन विद कैटायंस और गिविंग अप इलेक्ट्रॉन एज वेल एज एनायंस। मींस यहां पे अगेन समझना, कैटायन के साथ कंबाइन होगा, मतलब उसके साथ जुड़ेगा, या वो क्या क्या दे सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या एनायन देगा। ओके, तो इस तरह से यहां पे इनके डेफिनेशन हो गए। अब अपन एग्जांपल के तौर पे अपन इसको समझते हैं। जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रस सोडियम के साथ में ऑक्साइड, मतलब सोडियम ऑक्साइड के साथ में, ध्यान देना ये एसिड की तरह और ये बेस की तरह काम करता है, तो सोडियम सल्फेट बनता है। तो यहां पे क्या है, देखिएगा, यहां पे ये बेस है, बेस का मतलब ये हो गया, बेस मतलब कैटायन के साथ जुड़ रहा है, तो ये कैटायन के साथ ये जुड़ रहा है। सिमिलरली यहां पे एसिड है, क्या है, फेरस साइनाइड है और पोटेशियम साइनाइड, यही वही सेम चीज है जो सॉल्ट बना रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो इस तरह से ये आपका सॉल्ट हो गया। अगेन देखिएगा, सोडियम है, सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देखना, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, गिव अप इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है हम उसको बेस बोल रहे हैं। सिमिलरली जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कंबाइन विद एनायन और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया, क्लियर। और सिमिलरली जैसे NaCl दोनों फिर क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं, मींस सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट देता है, और क्लोराइड क्लोरीन क्लोराइड कैसे बनाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। इस तरह से ये एसिड और बेस हो गया दोनों तरह से। तो इस तो ध्यान देना, ये थोड़ा सा इजी वे में है, तो इसके एडवांटेज क्या है इस कॉन्सेप्ट के, देखिएगा, पहला एडवांटेज है क्लासिफाई ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस। मतलब यहां पे जैसे कई बार जैसे हम ध्यान दिया होगा आपने, तो ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट में कुछ डिसएडवांटेज थे, सिमिलरली लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में कुछ डिसएडवांटेज थे, उन सभी को ये डेफिनेशन क्या कर रही है, सभी को कर रहा है। जैसे क्यों, एनायन की बात बोल दी इसने, इलेक्ट्रॉन की भी बात बोल दी और कैटायन की भी बात बोल दी। सिमिलरली अगेन कैटायन की भी बात बोल दी, इलेक्ट्रॉन्स की बात बोल दी और एनायंस की बात बोल दी, क्लियर। फिर इसी जैसे ये सिंपल और जनरल कॉन्सेप्ट है जो सभी को कवर कर रहा है, क्लियर। और थर्ड पॉइंट है इसका, एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। मतलब जितनी भी रिएक्शंस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या डोनेट करने की हो, चाहे कैटायन और एनायन की हो, किसी भी तरह की रिएक्शन हो एसिड बेस की, सभी को ये एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने की हमने बता दी, कैटायन और एनायन को जुड़ने की बता दी, यहाँ पे अगेन कैटायन और एनायन या इस तरह की जो जुड़ने की रिएक्शन है, ये सारी चीज बता दी। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा हो गया कौन सा, यूसिनोविक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये मैंने जैसा क्वेश्चन बताया था लास्ट, अब मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या आता है, डिस्कस डिफरेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरीज ऑफ एसिड बेस
डेफिनेशन कहूंगा या एसिड बेसिस के लिए कहूंगा, तो आपको आंसर क्या करना है, पहला जैसा मैंने सबसे पहले आरएनएस बताया, फिर ब्रोस्टेड लोरी बताया, लेविस एसिड बताया, और लास्ट में हमारा यूसेनोविच कॉन्सेप्ट, ये पांचों थ्योरी के बारे में पूरा का पूरा लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे सारे के सारे वीडियोज में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसको सारे के सारे देखेंगे और एज सच आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बोलता हूं तो इससे ध्यान देना, इसकी जो डेफिनेशन है एसिड और बेस की, ये डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो सभी तरह की रिएक्शन को इंक्लूड करता है या क्लासिफाई करता है सभी तरह के एसिड बेस को, तो आपको याद रखना है कौन सा, दैट इज यूसेनोविक कॉन्सेप्ट। ओके, इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहीं पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपने पूरा वीडियो देखा, और हो सके तो यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्किल और सीनियर जूनियर सभी में इसको शेयर कीजिएगा, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को इनेबल करना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।